कल मैं कहते रहा हूँ, कल बाबा साहब का इतना बड़ा प्रोग्राम था, यहाँ 10 आदमी नहीं थे। क्रिकेट की तरह रंग बदल दिए केजरीवाल साहब, इतनी उम्मीद नहीं थी उनसे। पूरा गेम खेल गए कि गुजरात में चुनाव है, अगर हम लक्ष्मी जी नारायण जी नहीं करेंगे तो वहाँ बनिए ही बनिए, कौन वोट देगा उन्हें। स्वागत है आपका जनहित आवाज में, मैं हूँ आपके साथ पूजा। आज मैं यहाँ जंतर मंतर पर मौजूद हूँ। यहाँ पर जो आप लोग देख रहे हैं, तमाम लोग जो हैं तेलंगाना से आए हैं। तेलंगाना से यहाँ पर क्यों आए ये भी मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि इनकी जो डिमांड और मांग है वो ये है कि संसद का नाम बाबा साहब के नाम पर होना चाहिए। आप इनके हाथों में बैनर देख सकते हैं, जीना है तो मरना सीखो, कदम कदम पर लड़ना सीखो, इस तरीके के बैनर्स हैं इनके हाथों में। यहाँ पर आप देखिए, वी वांट डॉक्टर बी आर अम्बेडकर नेम फॉर द न्यू पार्लियामेंट भवन। ये पार्लियामेंट का जो नाम चाहते हैं वो बाबा साहब के नाम पर चाहते हैं। तो ये तमाम लोग जो आए हैं आप देख सकते हैं, ये तमाम लोग तेलंगाना से यहाँ दिल्ली आए हैं। आज यहाँ जंतर मंतर पर ये लोग यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और अपनी डिमांड और मांग के साथ यहाँ पर सत्ता से सवाल कर रहे हैं। तो कुछ लोग अगर हिंदी बोल पाते हैं, शायद आप हिंदी बोल पाते हैं मैम? हिंदी नहीं बोल पाएंगे, थोड़ा इशू है लैंग्वेज का, क्योंकि तेलंगाना से आए हैं, इनको हिंदी में नहीं बोल पाएंगे ये लोग। तेलंगाना लैंग्वेज जो है इनका बोलने का है, तो ये सभी मेरे ख्याल सारे ही तेलंगाना ही भाषा बोलते होंगे महाकाय। तो हिंदी जो है कुछ अभी देख लेते हैं, कोई अगर हिंदी बोल पाता होगा तो अभी उनसे बात करेंगे। लेकिन आप ये देखिए कि तमाम लोग कितने जागृत हो चुके हैं बाबा साहब को लेकर। यहाँ पर तमाम लोग जो है यहाँ जंतर मंतर पर आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, बाबा साहब के नाम पर संसद का नाम होना चाहिए, इसीलिए ये लोग यहाँ पर आए हैं। और यहाँ पर जो है आप ये देखिए कि संसद का नाम जब और तरीकों से जगहों के नाम जब बदल दिए जाते हैं, तो क्यों ना संसद का नाम बाबा साहब के नाम पर रखा जाए, इसीलिए ये लोग यहाँ पर आए हैं। क्या आप हिंदी बोल पाते हैं? Yes. क्या नाम है आपका? नंदराम चौधरी। कहाँ से आए हैं? मैं यहीं दिल्ली से। दिल्ली से हैं जी। मगर आप इनके साथ हैं सारे तेलंगाना? जी 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 जी। तो क्या कुछ मसला हुआ है आप लोग यहाँ पर आए हैं? मैम दरअसल प्रॉब्लम एक है कि जितने भी हमारे साइड दलित हैं, करीब 59% जो 59% लोग हैं, उनको 2 या 3% लोगों को ही आरक्षण मिल रहा है, बाकी लोगों को कोई आरक्षण नहीं मिल रहा। तो हम लोगों की सरकार से रिक्वेस्ट है कि हम लोगों को जितने भी 51% जो लोग हैं उनको भी आरक्षण दिया जाए, और हम सबको तेलंगाना से मेन पर्पस जो आने का ये रहा कि जो नई संसद बन रही है यहाँ दिल्ली में, इसमें हमारे जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी हैं, इनका मेन फ्रंट पे फोटो होना चाहिए और इन्हीं के नाम से वो संसद बनाई जाए। अच्छा, बाबा साहब के नाम पर संसद का नाम क्यों होना चाहिए? बाबा साहब का इसलिए होना चाहिए, सारा कानून सब कुछ तो बाबा साहब ने ही, देश पूरा संविधान उन्होंने ही बनाया, पूरा कानून से लेकर हर चीज़ तो उन्हीं के नाम से है, उन्होंने ही जो बना के गए हैं उसी हिसाब से चल रहा है। और तो किसी के नाम से संसद में नाम भी बेकार रहेगा, और हम लोगों की इतनी जनसंख्या होने के बाद भी हम लोगों का अगर बाबा साहब के नाम की संसद में उनकी फ़ोटो भी नहीं लगवा पाए तो फिर हम लोगों का क्या फ़ायदा इस देश में रहने का, और क्या फ़ायदा? हम लोग मूल निवासी हैं, और हम ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम लोगों के लिए ही सब कुछ है, वो तो सबके हैं बाबा साहब, चाहे वो कोई भी कास्ट हो, चाहे बैकवर्ड हो, चाहे OBC हो, चाहे अपना दलित हो, कोई भी हो, सबके हैं बाबा साहब। और मेरी मोदी सरकार से रिक्वेस्ट है हम सब की कि बाबा डॉक्टर साहब भीमराव अम्बेडकर जी की नई संसद में फ़ोटो होनी चाहिए, बड़ी तस्वीर लगनी चाहिए, तस्वीर होनी चाहिए कि उनके नाम पे संसद का नाम उनके नाम पे ही संसद होनी चाहिए। तस्वीरें तो देखिए बहुत सी पार्टियां लगा रही हैं, तो दिक्कत कहाँ आ रही है? तस्वीरें तो आम आदमी पार्टी लगा रही है भाई, बड़ी बड़ी बाबा साहब के नाम लेके बोल रही है आम आदमी पार्टी, भाजपा बोल रही है। आम आदमी पार्टी तो ऐसी है कि आज इधर तो कल उधर, अभी जब वोट थे दिल्ली में, वोट डलने थे बीच में, तो आम आदमी पार्टी बाबा साहब अम्बेडकर को फोटो लेके घूम रहे थे, खूब नाच रहे थे केजरीवाल के, बाबा साहब बाबा साहब बाबा साहब।
अब जैसे ही वहाँ गुजरात में पहुँचे तो बोले बाबा साहब का नाम नहीं होना चाहिए, नोट पे लक्ष्मी जी की फोटो होनी चाहिए। ठीक है, ये केजरीवाल के स्टेटमेंट है। तो वो केजरीवाल जी क्या है तो जात के बनिए, वो अपना धंधा पानी वो उसी हिसाब में लेके जाएंगे कि जहाँ जिससे काम है। वो सीएम बनने वाले थे, उन्होंने कहा था मैं बनिया हूँ, मुझे धंधा करना आता है। उन्होंने उस टाइम बोला, लेकिन उन्होंने बाबा साहब के नाम से वोट लिए। तो हम लोगों ने भी ये सोच के चलो हम लोगों के बारे में कुछ तो करेंगे बाबा साहब के नाम पे, कम से कम बीजेपी से तो सही है, आरएसएस से तो सही है। आरएसएस बीजेपी से सही है, बिल्कुल सही है। आरएसएस तो बीजेपी से सही है, फिर भी काफी आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी कम से कम ये तो नहीं है कि भाई मनुवादी लोग तो नहीं है, मनुवादी सोच तो नहीं है। क्या दिक्कत है तस्वीर लेके अगर वोट मांग रहे तो क्या दिक्कत आ रही है आपको? नहीं, काम तो नहीं कर रहे ना। अब पता चला है इन्होंने अब सारे रंग अपने आप दिखाए हैं। अब तो ये लोमड़ी की तरह रंग बदल रहे हैं, दो दिन में इधर दो दिन उधर। अगर इनको बोलो कि अभी ये गुजरात गए हैं तो अभी कृष्ण कन्हैया बन जाएंगे, अभी यूपी चले जाएंगे तो यूपी में हनुमान जी बन जाएंगे, कुछ भी बन जाएंगे। तो मुझे लगता है SC ST OBC बड़ा मासूम है। बिल्कुल बिल्कुल, है ना, हम इसीलिए बड़ा मासूम है। बिल्कुल, बिल्कुल। कि आपको बड़ी जल्दी से ना मतलब भरोसा हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये मतलब ये खामी है या फिर बहुत अच्छाई है, खासियत है? ये हम लोग क्या है कि हम लोग भोले भाले लोग हैं। भोले भाले इसलिए हैं कि हम लोगों जो हमारे बड़े बुजुर्ग रहे हैं वो इतने पढ़े नहीं थे, अब हम लोग पढ़ लिख गए हैं, थोड़ा उनसे ज़्यादा पढ़ लिख गए हैं, उनसे ज़्यादा कामयाब होने लगे हैं। तो उनको सरदर्द हो रहा है कि अब हमारी जो मेन रिक्वेस्ट है मोदी सरकार से या कोई भी जो भी सरकार रहे आगे पीछे, सबसे एक ही रिक्वेस्ट है कि जितने भी कॉलेज हैं जितने भी स्कूल हैं सब में संविधान पढ़ाया जाए। एक किताब संविधान की होनी बहुत ज़रूरी है। उससे क्या है कि सिर्फ दलित के लिए नहीं है, वो हर किसी के लिए लोग पढ़ेंगे तो कानून के बारे में समझेंगे जानेंगे। लेडीजों को भी इस चीज़ का फायदा होगा कि भाई उनको अपनी ताकत का पता चलेगा कि हमें अगर कोई टच करता है तो कौन सा केस लगेगा, कहाँ FIR करनी है। कि जो स्कूल्स की बुक होती थी उसमें सबसे पहला जो पृष्ठ होता था उस पे भारत का संविधान ऐसे लिखा आता है। मैम पहले आता था, अब कहाँ दिख रहा है आपको? पहले तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की सब चारों सारी बातें आती थी पहले की। अब पढ़ाई में अभी की पढ़ाई में बहुत फर्क क्या आ गया है? फर्क ये है कि अब तो वो जैसे जैसे जितना भी ये बीजेपी की सरकार है टोटल खत्म करते जा रहे हैं जड़ से। अब तो मैंने सुना है उनका नया संविधान भी बन गया है। अच्छा। उन्होंने एक नया संविधान भी छपवाया अपना, वो उस हिसाब से चला रहे हैं, अपनी मनुस्मृति के हिसाब से चला रहे हैं उसको। तो वो नहीं होना चाहिए ना। देखो कैसे चला है, आप लोग सो रहे थे तभी चला आया ना। बिल्कुल, ये हम लोग पहले जागे हैं, हम लोग मासूम थे और हम लोग अब मासूम हैं और थे। हम लोग क्या है ज्यादा इसमें पढ़ते नहीं है हम। अगर सामने वाले विक्टिम कार्ड तो नहीं खेलने की कोशिश कर रहे हैं, विक्टिम कार्ड नहीं। अब देखो मासूम बता रहे हैं, मासूम हैं ही हमारे जो बड़े बुजुर्ग थे। दो आँख है, कान है, नाक है, खाना खाते हैं और भी जनता खाती है। समझ आ रही ना चीजें? कल को मोदी जी गरीबों के साथ खाना खा रहे थे, सब कुछ था। तो हम लोगों को लगा कि चलो ये भी हमारे ही हैं। अब उन्होंने देखिए यूपी में एक योगी का मंदिर बन गया है, वो भी इलीगल है। उसमें रोज आरती होती है मंदिर में रोज आरती होती है, वो इलीगल है, उसको कोई नहीं हटाएगा। और अगर किसी गरीब आदमी का घर भी अगर रोड के थोड़ा टक्कर पे आ गया तो बिल्डोजर चलवा देते हैं। तो बाबा जी की तो सावरकर का मंदिर बना हुआ है भाई, मैं कह तो रहा हूँ सावरकर का बन गया, योगी जी का बन गया, मोदी जी का रह गया। मुझे तो ये डाउट है कहीं संसद में मोदी जी की तस्वीर न लगा दें सबसे बड़ी, वो तो लगनी लगनी। विष्णु का अवतार बता रहे हैं, लग भी जाएगा, मंदिर भी बन जाएगा। मोदी जी को विष्णु का अवतार बता रहे हैं। हाँ तो अब विष्णु का अवतार देखते हैं कब तक चलेगा, अगली जब 2024 में जब भी इलेक्शन होगा देखते हैं फिर कितना विष्णु का अवतार लेंगे, क्या देख लेंगे। इस बार कोई भी व्यक्ति, हम लोग 85% तो हैं, कम से कम जागृत हो गए हैं, आप कोई वोट नहीं देगा बीजेपी को। बिल्कुल कोई वोट नहीं देगा। बात बताइए, बाबा साहब के संघर्ष को कभी भुलाया नहीं जा सकता है, लेकिन अब आप लोगों को याद आया है कि बाबा साहब के नाम पर संसद का नाम होना चाहिए और बाबा साहब का जो संविधान है वो पृष्ठों में पढ़ाना चाहिए, बुकों में पढ़ाना चाहिए। अब आप लोगों को याद आ रहा है क्या? क्या मतलब कुछ एजेंडा नहीं है ये? एजेंडा तो नहीं है आप लोगों? नहीं नहीं नहीं, हम लोग का एजेंडा होता तो हम लोगों की सरकार होती सेंट्रल में भी और हर जगह भी। अगर हम लोग इतना ही, अब इतने से कितने मासूम हो, कल परसों दिल्ली में MCD के इलेक्शन थे तो हम लोग कोई भी व्यक्ति बाबा साहब के इसमें समारोह में कोई आया नहीं। एक दो चार पांच आदमी थे, मैं यहीं था उस टाइम जंतर मंतर पे, कोई नहीं आया। और केजरीवाल को वोट दे दिए,
दे दिए क्यों जितना, अब इतने से कितने मासूम चाहिए, लठ भी नहीं में घलते हैं, सताए भी नहीं जाते हैं ना आप लोग, फ्री की तरह भागते हैं ना, फ्री का तो सबको ही मिल रहा है, राशन चाहिए फ्री की, बिजली चाहिए मिल रहा है आपको, दो किलो अगर दो किलो शिक्षा फ्री नहीं मिलेगी आपको, बिल्कुल दो किलो अगर राशन पानी से गुजारा होने लग गया लोगों का, तो आपको लगता है दो किलो में क्या होता है, दो तीन किलो चावल दाल मिल जाते हैं जैसे, उसमें क्या होगा, 10 किलो मिलना चाहिए फ्री, मैं ये फ्री वाली बात ही नहीं है, फ्री मिले ना मिले, जो जिसका हक है वो मिले, जो गरीब आदमी जो मिल जिनको चाहिए, तो रहे 5 किलो राशन और क्या चाहिए, 5 किलो राशन 2-5 दिन निकल जाएगा, उसमें जिंदगी तोड़ना निकल जाएगी, हमको शिक्षा चाहिए, ठीक है, शिक्षा के बिना कुछ नहीं है, शिक्षा मिलेगी हम अपने आप कमा लेंगे, हमें किसी चीज की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, कैसे शिक्षा मिलेगी, शिक्षा इसलिए मिलेगी कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान स्कूल में पढ़ाया जाए, और सभी जो स्कूल की जितनी भी प्राइवेट जो संस्था है, प्राइवेट जो स्कूल हैं जिनकी बहुत सारी जो महंगे हुए हैं, इनकी बंद किया जाए, सबको एक समान कर दिया जाए, जो सरकारी जो देखिए रिजर्वेशन तो वैसे भी ख़त्म हो रहा है, रेलवे भी चली गई है प्राइवेट में, मेडिकल भी जा ही रहे हैं, कॉलेज भी जा ही रहे हैं, बचा क्या, जब कुछ रहेगा ही नहीं सरकारी तो कहाँ से मिलेगा रिजर्वेशन, सुदामा कोटा दिया जा रहा था तब आप लोग कहाँ थे, मैम देखो सुदामा कोटा पता है ना, EWS कोटा दे दिया है सवर्णों को, आर्थिक रूप से जो जब भी बोले मेन चीज जो है, जो ज्यादा बोलता है उसका वही कह नहीं रहा, उसी के ऊपर बिल्डोजर चलता है, आजकल सब जगह यही होगा, जो बोल रहा है उसको वो जेल में, आप लोग चाहते थे वही तो हो रहा है, तुरंत कार्रवाई चाहिए थी, बुलडोजर चल रहा है, आपको पार्टी ऐसी चाहिए थी, पार्टी मिल गई, आप लोगों को हिंदू राष्ट्र चाहिए था, हिंदू राष्ट्र मिल रहा है, राम मंदिर आपको चाहिए था, राम मंदिर मिल रहा है, कौन कह रहा हमें हिंदू राष्ट्र चाहिए था, हिंदू राष्ट्र अगर हम ले लेंगे तो मुसलमानों का क्या होगा, सिख ईसाइयों का क्या होगा, अगर हम हिंदू हैं तो हम लोगों के साथ बैठ के खाना पीना खाया जाए, हम लोगों को एक मेजोरिटी में लेकर, हिंदू ही अपने आपको बताते हैं हिंदू हैं हम, अब हम लोगों को समझ आ रहा है, अब कोई हिंदू नहीं है, अब हम सीधा साफ हो रहा है कि हम लोग दलित हैं, हम लोग मूल निवासी हैं, और जो है हम ही हैं, वो कुछ नहीं है, समझ में आ रहा है, अब समझ में आ रहा है कई चीजें क्या है, लेट समझ लुट गया तब आपको समझ में आ रहा है क्या? देखो ऐसा है कि कहीं ना जब सब कुछ हार जाता है ना, सब कुछ खत्म होने के बाद भी एक उम्मीद रहती है इंसान के अंदर, कहीं ना कहीं एक दाव बचा रहता है, वो अभी भी है, वो हम खेलेंगे 2024 में, कैसे कैसे हराएंगे मोदी को, कैसे हरा लेंगे, वोट नहीं देंगे, सत्ता में है, पावर उनके पास है, सब कुछ उनके पास है, जनता से बड़ी कोई पावर, जिस टाइम जिस दिन हम लोग सब एक हो गए, गुजरात में तो डंका बज रहा है बीजेपी, डंका देखो मैं वही बात कह रहा हूँ ना, जब नहीं समझ है जितनी हम लोगों में, जिस दिन एक हो गए ना हम सब, वो बोलने लग गए सब, फिर कोई मानते हैं कि आप लोग एक नहीं है, बिल्कुल मानते हैं, हम लोग एक होते तो आज, कल मैं कह तो रहा हूँ, कल बाबा साहब का इतना बड़ा प्रोग्राम था यहाँ, 10 आदमी नहीं थे, और वोट डाल रहे थे केजरीवाल को जिता दिया, अब कल को कि आप खामियां हैं, ये तो है ही, देखो कैसे आप सोच रहे हैं कि आप हरा लेंगे इसलिए कि हम लोग जागेंगे, अब कैसे जागेंगे, जागेंगे इसलिए कि अब हम लोग इकट्ठे हो रहे हैं, धीरे धीरे हम लोग रोड पे आएंगे, इकट्ठे होंगे, धरना देंगे, जागेंगे, देखिए इतना जनसंख्या होने के बाद भी अगर हम लोग अपनी सरकार, ऐसा तो नहीं सोच रहे धरना देंगे, रोड़े घेरेंगे, जैसे केजरीवाल जी रोड़ों पे बैठे थे, सीएम बन गए, तो आप सोच रहे हैं अपने में से कोई एक व्यक्ति पद पे चला जाएगा, नहीं, ऐसा हो पाएगा, ऐसे तो हमारा आज वो बनिया थे, नहीं बनिया थे, धंधा करना आता है उन्हें, ठंडा नहीं उनको तो, ठंडा भी और धंधा भी आता है, गिरगिट की तरह रंग बदल दिए केजरीवाल साहब, इतनी उम्मीद नहीं थी उनसे, इस तरह से जिस तरह उन्होंने जब ये नाम, अभी जो गौतम जी थे जिन्होंने ये 22 प्रतिज्ञा ली थी, जैसे कहने वाली बात है साहब, कोई मन में मानता है, कोई मुंह पे बोल देता है, किसी को जैसे नहीं, जैसे हम नहीं, लेकिन एक बात है, उन्होंने इस्तीफा उस पद से दिया है, लेकिन MLA पद से इस्तीफा नहीं दिया है, किसने, तो मंत्री राजेंद्र पाल गौतम जी ने, मोदी जी तो एक दिन के लिए कुर्सी छोड़ने के लिए तैयार, हिलते भी नहीं है, उन्होंने उनका जिगरा कहो कि उन्होंने कुर्सी को छोड़ दी, दम होना चाहिए कुर्सी छोड़ने के लिए, सत्य बोलने के लिए, अगला था उनके अंदर, बिल्कुल था, दम भी था और कट्टर बनाया गया था उनके ऊपर, नहीं कट्टर अम्बेडकर, वो अगर केजरीवाल जैसे मैं आपके अंडर में काम कर रहा हूँ, आप हमारा सपोर्ट नहीं करोगे तो कुर्सी तो नहीं छोड़ी उन्होंने, नहीं MLA की कुर्सी क्या है, क्या कहेंगे, कुछ चीजें ऐसी है कि उनको एकदम से नहीं छोड़ा जा सकता, कुछ चीजें जुड़ी हुई हैं, कुछ चीजें, हालांकि ये चीज तो साफ हो गई कि केजरीवाल
दलितों के मसीहा नहीं हैं और ना ही वो दलितों को सपोर्ट करते हैं। इसलिए साफ हो गई कि जब उन्होंने बोला कि भाई ना तो गौतम जी के खिलाफ कोई स्टेटमेंट दी है कि उन्होंने सही किया कुछ तो बोलते, एकदम से अब तक उनकी चुप्पी रही है और वहाँ जाके बोल दिया कि नोट पे लक्ष्मी जी की फोटो होनी चाहिए और ऐसे उदास होकर बैठ गए। ऐसे थोड़ी ना, वो तो अपना मतलब पूरा गेम खेल गए कि गुजरात में चुनाव है, अगर हम लक्ष्मी जी नारायण जी नहीं करेंगे तो वहाँ बनिए ही बनिए, कौन वोट देगा उन्हें। तो उन्होंने बस उन्होंने वो दिखाना था। एक बात तो साफ है, लक्ष्मी गणेश जी की फोटो से आप लोगों को क्यों दिखता? आप तो हिंदू बोलते आते हैं ना अपने आप, ऐसे तो इंडोनेशिया में जो करेंसी है उस पे तो गणेश जी का फोटो है। हम लोग अगर हिंदू हैं तो आज जैसे कोई चौधरी है, कोई दलित है, कोई अहरवार है, हमारे इधर यूपी में झांसी साइड चले जाओ आप, एक भी व्यक्ति ऐसा दिखा दो आपके ये यादव है वो पंडित है, इन दोनों की शादी हुई है, एक भी व्यक्ति हिंदू होता तो एक लेवल होता ना, एक मेजोरिटी। आपके में भी जो SC ST OBC है, आपके में खुद जाति का वो करते भेदभाव, खुद शादी नहीं करते उस जातियों में। मैम ऐसा है कि हम अंदर से सुधरेंगे जब ही तो सामने वाले को सुधार पाएंगे। कैसे सुधरेंगे? लेकिन हम लोग एक लेवल तो है, शादी ना हो बट एक लेवल तो, एक साथ बैठते तो हैं। अभी इसमें राजस्थान में देख रहे हो, इंदर शादी नहीं हो बैठते हैं। मैम एक आप चारपाई पे बैठोगे, हम नीचे बैठेंगे तो ये तो पर... लेकिन शादी नहीं करेंगे नहीं। फिर कैसे सोच रहे हैं कि सत्ता में परिवर्तन कर लेंगे? बात देखो मैम सुनो, एक टाइम था मायावती जी की सरकार थी यूपी में, ठीक है, सरकार आई थी, मेजोरिटी होगी जब ही तो सरकार आई थी, एक लेवल होगा जब ही तो, वो भी तो दलित थी, आई थी ना सरकार, हम फिर बदलेंगे बिल्कुल बदलेंगे अब। और अब बहुत ज्यादा, अब जब देखो जब तक ठोकर नहीं लगेगी ना सामने वाले को, जब तक कुछ नहीं होने का। अब वही है कि हम सबको एक होना पड़ेगा और बाबा साहब के बाद ठोकर का इंतजार करता है यानी। बिल्कुल, दलित के जितना भोला आदमी मैंने इंडिया में, जितने दलित अपने भोले हैं, और मुझे नहीं लगता कहीं के लोग जो आदिवासी वो भी इतने भोले नहीं है जो आदि मानव थे पहले, जो जैसा बोलता है उसी के साथ वो लेते हैं, बाद में फिर बोलते हैं हमारे साथ गलत हो गया, रोने लगते हैं। अब क्या फायदा, अभी केजरीवाल को वोट दिया वो जीत गए, अभी दो दिन उन्होंने दलित बोला, अब देखना तीसरे दिन से वो कहीं और गुजरात की जगह पर और कहीं भाग जाएंगे, वहाँ के डंक। अभी वो जाने वाले हैं गुजरात के बाद उत्तराखंड, अब वहाँ जाके पता नहीं कौन सी देवभूमि के देवता बन के उखड़ेंगे वो, को मेरे को सपना आया हनुमान जी का, मुझे तो ऐसे करना है, ये है वो है, मैं तो यहीं पहाड़ पर खड़े होके भाषण दूंगा, है ना। तो वो तो मोदी जी के भी मतलब, मोदी जी भी तो है, अरे मोदी जी तो है, का तो नाम ही काफी होता है मेरे ख्याल। लेकिन एक चीज तो साफ हो गई कि चाहे मोदी लोग जो थे वोट देने वाले थे मोदी 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 मोदी, अब परेशानी तो नहीं होनी चाहिए लो, वही तो हम लोगों ने इतनी, क्या है कि हमारे, मैं अपनी इधर यूपी की बात करता हूँ झांसी की, हमारे साइड जो लोग हैं आप मानोगे नहीं कि 10 लोग बैठे हैं वो चार बोल देंगे मोदी मोदी, तो पांच चाहे वो विपक्ष वाले भी होंगे ना छह, वो भी बोल पड़ेंगे मोदी मोदी, यही हुआ है वहाँ। वोट देना है किसको? देना, अरे मोदी को दे दो यार, मोदी को दे दो, ये नहीं सोचते कि मतलब ये नहीं देखते आपकी काम क्या, कौन कर रहा है। वोट की वैल्यू 1% सुन के भाग लेते हैं। हाँ, वोट की वैल्यू 1% नहीं है, सही बताओ, 1% कोई व्यक्ति वोट की वैल्यू नहीं समझता है। वहाँ वोट की वैल्यू उन्हें समझ में आती है कि प्रधानी का इलेक्शन है तो 10,000 लेने हैं, 5,000 लेने जब वोट देना है, उस टाइम उन्हें वोट की थोड़ी सी वैल्यू पता होती कि हमें इसको वोट नहीं देना, इससे हमारी लड़ाई है या इसने हमारा काम नहीं किया, उसको वोट नहीं देंगे। लेकिन जो बड़ी लेवल की इलेक्शन होता है उसमें नहीं सोचते वो, मोदी को देना है तो मोदी को ही देना है, या किसी को भी देना है, उनका मन बन गया तो वो एक गाँव एक उसमें ही ढल जाएगा। तो कब तक ऐसे भोले बने रहेंगे आप लोग भाई? अब वही बात है ना मैम, जो जागृत हो रहे हैं वो धीरे धीरे, अब जैसे हम लोग जागृत हुए, हम लोग कह रहे हैं कि भाई संविधान पढ़ाया जाए स्कूल में, जब जागृत होंगे कानून समझ में आएगा। अभी हम लोगों को यही नहीं पता कि भाई कानून क्या होता है, बड़े बूढ़े जो तो पढ़े नहीं थे, अब वो जो आज की डेट के जो बच्चे पढ़े हुए हैं वो समझते हैं चीज़ों को, तो हम लोग अब समझाएंगे ना, आने वाली पीढ़ी भी समझेगी कि हम लोगों की इतनी संख्या ज़्यादा है और वह जो इतने पीछे कि हमारी कोई। अच्छा, यहाँ पे आप संसद का नाम जो है बाबा साहब रखवाने के लिए जो चाहते हैं, तो इतनी कम संख्या में आप लोग आए हैं, आपको लगता है कि आपकी बात मान ली जाएगी? मैम देखो, शुरुआत तो
एक ही चीज से की जाती है। एक आदमी भी आ जाए तो शुरुआत हो जाती है कि फलानी जगह का एक आदमी आया है। अब धीरे धीरे बढ़ेंगे, लोग समझेंगे। अब ये तेलंगाना से आए, सोचो अब हम लोग यहाँ बगल में नोएडा यूपी से नहीं आ सकते, या दिल्ली में कम है, दिल्ली में बाबा साहब को मानने वाले कम है। जब केजरीवाल को जिता सकते हैं तो संसद की डिमांड नहीं कर सकते। बस मूर्खों के बात दिमाग में बात आ ही नहीं रही है, बाद में रोएंगे यार हम ऐसा कर लेते तो अच्छा था। यहाँ लाखों रुपए का काम, पहले अपने समाज को जागृत करना चाहिए। वही करने जा रहा हूँ मैम, अभी 3-4 हफ्ते से यही रामलीला मैदान में पढ़ा हूँ, जो आता है उसी के लिए बोलता हूँ। यूपी से बोलने से होगा जागृत? बोलने से मैम क्या नहीं होता, देखो बोलेंगे नहीं तो पता कैसे चलेगा। बच्चा भी नहीं रोएगा तो मम्मी भी नहीं सोचती कि इसको भूख लगी होगी, सोच रही खेल रहा है तो खेल ही रहा है। जब वो रोने लग जाएगा तो उसकी तरफ ध्यान जाएगा, ये क्यों रो रहा है, इसको प्यास लगी है या तो भूख लगी है। आपकी तरफ ध्यान जाएगा? बिल्कुल, हम लोग रोएंगे, लड़ेंगे, बोलेंगे तो कुछ तो सुनवाई होगी, रिक्वेस्ट करेंगे। लेकिन ऐसे हाथ पे हाथ रख के बैठे रहने से तो कुछ चीज का समाधान है नहीं, ये चीज तो आप भी जानते हैं। तो ये देखिए, आप तेलंगाना से आए लोग, तमाम लोग यहाँ पर इसीलिए ही धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि बाबा साहब के नाम पर संसद का नाम होना चाहिए। और अब आप ये देखिए कि दलितों का और बहुजनों का कोई भी नेता फ्री की अगर बात कर दे तो वो उसी तरफ भाग जाते हैं। क्यों फ्री की तरफ ये जनता भागने लगती है? क्यों SC ST OBC अपने हक अधिकारों को नहीं समझ पाता है कि उसके अधिकार छिन रहे हैं, उसकी अधिकारों का हनन हो रहा है, लेकिन फिर भी वो ऐसे लाभ की ओर चला जाता है, जो उन्हें लाभ दिया जाता है वो उसकी तरफ भाग लेते हैं। यह भी आपने खुद इनके मुँह से सुना कि कैसे तमाम लोग जो है अभी भी जागृत नहीं हुए हैं, लेकिन बहुत बड़ा अभी इनको काम करना पड़ेगा और लोगों को जागृत करना पड़ेगा कि बाबा साहब ने जो त्याग किया है अपनी ज़िंदगी का और इनको जो सम्मान की ज़िंदगी दी है बाबा साहब ने, तो वो समझना पड़ेगा लोगों को कि तमाम लोग एक साथ जब तक नहीं आएंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला और इसी तरीके से इनके अधिकारों का हनन होता रहेगा। इसी के साथ देखते रहिए जनित आवाज़, मेरे सहयोगी धर्मेंद्र के साथ में पूजा, जंतर मंतर, दिल्ली।